ट इन इंडिया इंडिया में तो बहुत ज्यादा है एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो डीलिंग विद द थीम द एपथी ऑफ दैट इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द पोलिटिशियंस द पीपल हु आर सो कॉल्ड अथॉरिटीज आपका जब आप जब बुक को खोलते हो तो उसमें जो थीम आपका दिया है उसमें यह दिया हुआ है that it also deals with the people who are who claim to be the authority but such practices are very very common we speak up whenever there is election these things come out but definitely there is no point of end to it the chapter do, deals with real life situations real life

दिस इज़ वेन 1970 71 में जब बांग्लादेश इंडिया वॉर हुआ था उस वक्त में बहुत सारे रेफ्यूजीज आ गए थे उसके बाद जो रेफ्यूजीज आए थे ये उन लोगों की स्टोरी है द फर्स्ट वन द फर्स्ट स्टोरी एंड इट इज अबाउट द पर्सन हु इज लिविंग इन दिलशाद गार्डन सीमापुरी एरिया ओनली एंड द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट अ बैंगल मेकर मुकेश जिसकी जो पूरी फैमिली है दे आर ऑन टू बैंगल मेकिंग एंड बींग बैंगल मेकिंग ट्रेडिशनल बिजनेस वो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है इसीलिए दे डोंट टू कम आउट ऑफ दैट बैंगल मेकिंग बिजनेस वो अपने बैंगल मेकिंग बिजनेस से बाहर आना नहीं चाहते हैं एंड दीज टू कंडीशंस एक आपका रेफ्यूजी दट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एस्पिशन एंड सेकेंड वन बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन चिल्ड्रन लाइक साहेब आलम एंड मुकेश लूज देअर चाइल्ड हुडी प्रीशियस टाइम जब बच्चों को पढ़ना होता है द टाइम

आपने देखा होगा दिलशाद गार्डन में तो इट इज वेरी कॉमन सिनेरियो व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर आई वाज रियली लिटरली मैं बहुत परेशान होती थी उन बच्चों से बिकॉज़ दे वुड बी कमिंग डाउन स्टेयर्स या अराउंड द ट्यूशन यस वेरी राइट आंश बोला दे वुड बी कमिंग डाउन एंड देन दे वुड बी सेइंग इज देयर मतलब कि सम रैक एंड सर्टेन टाइम्स आई वुड बी आस्किंग देम नॉट टू स्टेप हियर फिर मुझे पता लगा था कि हमारे यहाँ पर जो कूड़ा उठाने के लिए जो औरत आती थी ये उनके बच्चे हैं एंड देन वंस आई हैड एन इंटरेक्शन शी शी इज इज फ्रॉम बांग्लादेश तो आई डिड नॉट नो उसके कितने बच्चे हैं तो देन वन साइड वो बच्चा उसके साथ आया था तो आई सेट की डोंट अलाउ हिम टू कम डाउन फिर उसके बाद मैंने देखा दूसरा बच्चा आया देन शी टोल्ड शी हैज अराउंड नाइन किड्स उनमें से दो की तो शादी हो गई है जो बांग्लादेश में रहते हैं तीसरी एक बेटी है जिसकी शादी होने वाली है और एक छोटा सा बच्चा था एंड पोवर्टी बट ओवर पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड उनके जो बच्चे होते थे दे वुड बी कैरिंग दैट बैग और जगह जगह से कूड़ा उठाते थे बेसिकली वॉट एपन से जब ये लोग कूड़ा उठाते हैं तो ये कूड़ा जो है उसको मतलब की ट करके इन द मॉर्निंग द एमसीडी वैन कम सो दे टेकअप एंड दे गिव मनी टू और टू अर्न मोर मनी ये लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को भी में लगा लेते हैं दे डोट अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेबर एंड चाइल्ड लेबर एंड नॉट ओनली चाइल्ड लेबर दिस ऑल्सो गिवस बर्थ टू Other social evils like snatching, smoking, drinking. When I had opened this institute 12 years back, uh, once, and I really don't know how people, like, kya tha? I was carrying 10,000 rupees to deposit in the bank. And that money was very, 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 very precious for me. Merilya Vudasazar was like 10 crores.

नाम उसने बताया साहेब आलम ही टू मच मतलब कि उनको बड़ा सरप्राइज हुआ दैट द नेम देश साहेब आलम बट ही अ रैक पिकर दैट इज द क्वेश्चन ऑफ योर यूर इज द आयरॉनिक मतलब कि वॉट इज द आयरि इन हिज नेम नाम से राजा काम से रंग तो उन्होंने पूछा कि वाई डोंट यू गो टू द स्कूल साहेब आलम रिप्लाई देर इज नो स्कूल इन माई विजिनिटी मेरे घर के आस पास में स्कूल नहीं है उसने जस्ट उसका मतलब की वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन स्टडीज और नॉट ये पूछने के लिए उसने कहा ओके इफ आई मेक अ स्कूल इफ आई बिल्ड अ स्कूल वुड यू कम ही सेड एंड आफ्टर फ्यू डेज साहेब केम रनिंग साहेब जो है भागता हुआ आया एंड ही आज द नरेटर इज अ स्कूल रेडी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम The book. The narrator was embarrassed, ashamed, क्योंकि उनको लगा कि साहब को ऐसे bleak promises, bleak मतलब, कोरें, blank, are the one which actually doesn't motivate them. लोग आते हैं, प्रॉमिस करते हैं, हम स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, बट एक्चुअली these promises आर unfulfilled he was feeling embarrassed sahib chappal nahi dalta tha he and his friends would be moving toiling here and there around 10 10 30 the. then they would be um, um, getting the accumulating all the racks and then they would go so in the meanwhile The narrator says, ये जो लोग हैं जैसे लोग दे आर ऑल द रेफ्यूजीज ऑफ बांग्लादेश उनका कहना है साहेब के मदर का कहना है द्लादेश अपना फॉर्म था बट दे डिड नॉट हैनी सिक्योरिटी दे हैड टू कम हेयर दे है इन इंडिया

डेली विच इज अ सिटी विच इज अ कैपिटल डेली आपका कैपिटल सिटी है एंड इफ यू लुक इन टू कनाट प्लेस मतलब राजीव चौक वगैरह में आप जाते हो तो यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स ओवर देयर आपको वहां पर सब कुछ मिलता है बट येट इफ यू कम टू सीमापुरी यू फाइंड नथिंग आपको वहां कुछ नहीं मिलता है येस देर इज देर आर शेल्टर है। छोटे, छोटे 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 डिंजी आपके इज़ नो वॉटर देर इज नथिंग एवरीथिंग जो भी है इलीगली है उनके पास में इक्वल सो इवन दो सीमापुरी कम्स अंडर डेली बिलोंग टू द कैपिटल सिटी कहते इन लोगों को जो है एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स दे हैव बीन गिवन द राशन कार्ड विच राशन दे आर द वोट बैंक्स बट दे डोंट हैव एनी अदर एम्यूनिटीज और कोई उनको फैसिलिटीज नहीं है राशन कार्ड है जिससे वो राशन लेते हैं और वोट डाल सकते हैं बस अदरवाइज देयर इज नो आइडेंटिटी इन फैक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ सी ए जो आपका सिटीजन वाला अमेंडमेंट एक्ट है उससे फर्क पड़ा होगा says, ये जो लोग हैं, इनका काम है गार्बेज कलेक्शन गार्बेज इज गोल्ड टू देम इनके लिए गार्बेज इज जस्ट गोल्ड क्यों क्योंकि फॉर देम यहां पे पेपर में आता है

ंग अ गिफ्ट रैप्ड बच्चों के लिए उसका पैसे कोई मोल नहीं है उनको कभी उसमें कोई टॉय मिल जाता है कभी कोई दस रुपए का कॉइन मिल जाता है सो फॉर दार्बेज इज एन अम्यूजमेंट उनके लिए तो वो एक अम्यूजमेंट है स्टोरी मूव फारद वो कहता है कि एक दिन उसने देखा साहेब उसने साहब से पूछा ही आस्ट दर आस्ट दाई आर यू नॉटरिंग दप्पल तो उसके एक फ्रेंड ने कहा दैट इट इज नॉट अ ट्रेडिशन टू वियर चप्पल इन आवर कम्युनिटी तो साहेब ने कहा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंक आउट द चपल्स फ्रॉम द अलमीरा सो आई एम नॉट वियरिंग दूसरे का फटा पुराना नरेटर थोड़ा सा पास्ट में जाती है कि वंस मतलब वंस द नरेटर है विलेज इन उड़पी दट इज इन कर्नाटका इट इज अ वेरी फेमस प्लेस फॉर लॉर्ड कृष्णा तो वो कहती है वो कहते मतलब द नरेटर सेयर एक पंडित का बच्चा था एंड ही यूज टू प्रे फॉर द शूज एंड लेटर मतलब बहुत सालों बाद उस पंडित के बच्चे के पास जूते आ गए थे शायद भगवान ने उनकी सुन ली थी वेर इज चिल्ड्रन लाइक साहेब डो नॉट है स्टोरी मूवज फर्दर जहाँ वो बताती है अनिसंग इज एक्चुअली अ वूमेन तो शी टेल्स दैट साहेब को उसने देखा कि जूते पहन रखे थे उसने फटे हुए मतलब थोड़ा सा उसमें छेद था शायद किसी रिच पीपल ने उसको रिच पर्सन ने उसको फेंक दिया था तो साहेब वह स्टैंडिंग नियर अ क्लब स्पोर्ट्स क्लब वहाँ पे स्विंग्स था तो उसने पूछा साहेब से कि डू यू लाइक टू प्ले यस और जब यहाँ कोई नहीं होता तो गार्ड मुझे अंदर जाने देता ये जो इवेंट है जो मतलब ये जो इंसिडेंट है बेटा दिस टेल्स दैट साहेब जैसा कोई ना कोई तो होगा जो कल को हमारा क्रिकेट कैप्टन हो सकता है अ पर्सन हु माइट बी क्रिकेट कैप्टन अ पर्सन हु माइट टुमारो बिकम द बैडमिंटन चैंपियन, बट वी डोंट केयर अबाउट देम एंड दैट इज व्हाई वी मे बी हैविंग मेनी टैलेंट्स बट नॉट ऑल द टैलेंट गेट द प्लेस अब थोड़े टाइम बाद है ही वॉज नॉट पिकिंग ऑफ द रैक्स अब साहेब रैक पिकिंग नहीं कर रहा था इन स्टेड ही वॉज वर्किंग इन अयर बाय टी स्टॉल वहां पर किसी टी स्टॉल पर काम कर रहा था एंड टी स्टॉल वाला जो है उसको आठ सौ रुपए महीना प्लस उसको तीन टाइम का खाना देता था दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन केम एज अ डिबेट इन वन वन मतलब कि बोट्स लॉन्ग बैक आई थिंक टेन ट्वेल्व इयर्स बैक दैट इज इट राइट दैट ही शुड वर्क इन अ टी स्टॉल अब उसको वहां आठ सौ रुपए मिल रहे थे

लेकिन वो चाय भी उसको भारी पड़ती थी यहां पर दिस इज अ मेटाफोरिकल मीनिंग इट्स नॉट दैट कि वो चाय की जो कनेस्टर था जो केटल था वो भारी था यहाँ पर उसका कहने का मतलब है दैट इवन दो ही वॉज गेटिंग मनी ही वॉज गेटिंग फूड बट ही वॉज अनहैपी बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज़ फ्रीडम रैक पिकिंग में ही हैड द फ्रीडम वो अपनी मर्जी से उठता था अपनी मर्जी से जाता था बट नाउ ही वॉज एम्प्लॉयड अंडर सम वन नाउ ही वॉज अ प्रॉपर चाइल्ड लेबर साहेब इज नो लॉन्ग मास्टर ऑफ ऑफ हिज ओन ये एंड होता है इस चैप्टर मतलब इस स्टोरी का दैट इज बिकॉज ही हैड हिज फ्रीडम नाउ ही वॉज वर्किंग फॉर सम वन Instead of his carefree time. So this is the story of saheb alam Now let us move towards the second sector that is Mukesh. Agra ke pass, while you go towards uh, this Lucknow, so you will be finding a small town uh, which is called as. फिरोजाबाद एंड फिरोजाबाद इज वेरी वेरी फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इट्स रियली मतलब अभी भी अगर आप वहाँ जाते हो तो बैंगल मेकिंग इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस बट वहाँ पे क्या है द बैंगल्स आर मेड बाय द ट्रेडिशनल फै मतलब की स्मॉल फैट जो घर में मतलब लोग बनाते हैं एंड देन द मिडल मैन टेक इट एंड सेल इट आउट अराउंड अराउंड इंडिया लेकिन वो जो बैंगल हैं दे आर लिविंग इन स्क्वालर ऑफ पोवर्टी दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पोवर्टी एंड द रीजन इज दैट दे आर नॉट इन टू कॉपरेटिव उन लोगों ने अपना कॉपरेटिव नहीं बना रखे हैं एंड इट इज नॉट बेनिफिशियल ऑल्सो मतलब की बैगल मेकिंग कोई इतना बेनिफिशियल वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं है तो नाउ वॉट है पर्सन देअर मुकेश मुकेश एस्पायर्स टू तो बी अ मोटर मैकेनिक वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है क्योंकि वहां पर मतलब की वहाँ जो हाईवे वगैरह वहां पर मोटर्स आते हैं कार वगैरह आते हैं बट उसके जो फैमिली है दे आर नॉट अलाउविंग हिम टू परस्यू दैट और उसको परस्यू करने के लिए मतलब उसको सीखने के लिए काम को सीखने के लिए ही नीड्स टू गो फार अवे वो जाने के लिए तैयार है लेकिन उनकी जो फैमिली है दे आर ऑल बाउंड टू द ट्रेडिशनल बैंगल मेकिंग बिजनेस जंग उसको अकंपनी करती है उसके घर जब वो जाती है तो बिल्कुल सड़क आपके दोनों तरफ कच्ची कच्ची कच्चे मतलब कि मकान बने हुए हैं। जब उसके घर पहुंचती है तो उसका भी घर कच्चा पक्का बना हुआ है वहां एक बूढ़ी औरत है देन साहेब फादर सॉरी मुकेश फादर हु इज ब्लाइंड और उसकी भाभी देयर एंड देर इज वन वुमेन सविता जो कि वहां पे मोल्डिंग का काम कर रही है नाउ मेंशन ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बैंगल्स होते हैं दे आर मेड बाय द स्क्रैप्स ऑफ आपके जो मिरर्स होते हैं ग्लास होते हैं ग्लास सो व्हेन ये जो स्क्रैप्स होते हैं व्हेन दे एंटर द आइज़ दे कॉज इंजुरी एंड देन ये जो काम होता है इट इज डन अंडर हाई टेम्परेचर अंडर द फर्नेसिस भट्टी में रखकर इसको बनाया जाता है सो ड्यू टू दैट हाई टेम्परेचर दीज पीपल कैच रेस्पिरेटरी एलिमेंट लाइक प्रोकाइटिस और अस्थमा द प्लेस वेयर द बैंगल मेकिंग इज डन जहां ये काम होता है वो डिंजी आपका मतलब कि एकदम विदाउट एनी एयर उस जगह है तो देर इज नो एयर दैट दल्सो कॉजेस एलिमेंट एंड समाइम्स अगर वो लोग क्योंकि अंदर नीचे अंधेरा होता है तो बाहर आते हैं तो वेन दे एनकाउंटर सन तो दे बिकम ब्लाइंड और ऐसे कई लोग हैं दोज हु दो लॉस याइफ दो सॉरी एलिट बज नो बडी मोर देन लै चिल्ड लेबर बट नो गवर्नमेंट नो अथॉरिटी नो बडी इज बॉदर्ड अब ये वहां जाती है उसकी मदर से मतलब की उस अः बुढ़ी औरत से बात करती है शी इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड की साहिब के जो सॉरी uh, मुकेश के जो फादर हैं, ही बिकम ब्लाइंड वो कहते वो तो उसकी डेस्टिनी है दैट इज ऑल हिज कर्मा ये पेपर में आया था दिस केम कि ये किसने बोला था और क्यों बोला था एंड दिस वाज ओनली थ्री इयर्स बैक शी बिलीव वो मतलब वो बताती है कि दे नेवर हैड फुल मील्स कभी उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया बट उसके फादर को सेटिस्फैक्शन है हाउस विच इज कच्चा पक्का है बट एक शेल्टर तो है वहां जो लड़की काम कर रही है सविता द नरेटर थिंग्स क्या इसको पता होगा ये जो बैंगल्स होते हैं जिनकी हम लोग इतनी इज्जत करते हैं द पर्पल कलर फॉर ओल्ड एज रेड कलर फॉर द यंग्स येलो कलर फॉर द लिटिल गर्ल्स

तो मुकेश कहता है कि वहां पर दे के नॉट फॉर्म इन टू कोऑपरेटिव पहले तो वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है दे जस्ट इको द टॉयल जो उनके पेरेंट्स ने किया ग्रैंड पेरेंट्स ने किया वही वो काम कर रहे हैं देर आर मतलब कि देर इज नो पर्सन हु हैज ऑडेसिटी हु हैज करेज टू फॉर्म कोऑपरेटिव और अगर वो ऐसा करते हैं तो द पोलिस द साहूकार द मिडिल मैन उल्टा पुलिस इन्हीं को पकड़ के ले जाएगी

पॉलिटिशियंस हु विविड लाइफ और एक मुकेश जैसे लोग इन द स्कॉलर ऑफ पोवर्टी देन जैसे उसने साहेब से पूछा वो मुकेश से भी पूछती है डू यू वॉन्ट टू फ्लाई एरोप्लेन तो मुकेश थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वो नीचे की तरफ पैटर्न बनाते हुए बोलता है no. नो हमारे यहाँ पर एरोप्लेन्स नहीं कार आती है एंड आई वांट टू मोटर मैकेनिक बोर्ड में क्वेश्चन आया था हाउ कैन मुकेश एस्पायर हिज ड्रीम तो डेफिनेटली अगर वो पढ़ेगा इफ ही हैज द करेज टू कम स्टडीज हो सकता है वो मतलब मोटर मैकेनिक बने

लूज देयर प्रीशियस चाइल्ड हुड आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग सो स्प्रिंग सीजन इज द टाइम वेन द फ्लावर्स ब्लूम चाइल्डहुड इज द टाइम वेन बी एक्चुअली लर्न एंड लॉस्ट हेयर इज द एड्रेक्टिव यूज कि जब आपका बचपन खो जाता है when the child is burdened with the responsibilities instead of toys and books that is as if the child the person has lost his life so these are the two stories the lost spring one is from saheb -e alam and second one is from mukesh that is ferozabad now we'll be doing the same thing along with the ncert

किसी के पास मिस मैच है ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बे फुट ऑन सिटीज ऑन विलेज रोड इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे फुट इन वन एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ पर भी होता है आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुवर्टी मतलब सचमुच में ट्रेडिशन है या पोवर्टी को बचाना

Pro, the god should provide them with shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drained, drowned in an air of desolation. Ye paper aata, What is the meaning of this? Air of desolation. Matlab, bilkul khandahar sa tha. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bag. Malak Baha per unka jo position that had improved. They were wearing the school uniform, they had gone to the school. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose him. The goddess had granted his prayers.

वो लोग इफ फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सरवाइवल दैन आइडेंटिटी इफ यू हैव द फिजिकल बुक अंडरलाइन मीन्स अब हम लोग कहते हैं वी शुड है उनके लिए फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट उनके लिए कोई सरवाइवल की मतलब उनके लिए कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है

But this is again a comment that now they are so skilled in rack picking and packing that it, it has become an art. Garbage to them is gold. This metaphor has come in the paper. Why garbage has been compared to gold? And what are the connotations of garbage to different people? It is a daily bread. रूफ ओवर देअ हैड्स इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ चाहे उनका घर टिन के छतों का बना है फिर भी उनके लिए वो कुछ तो देता है एंड फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर आई समटाइम्स फाइंड अ समाइम इवन अ टेन रूपी नोट साहेब सेन यू कैन फाइंड अर कॉइन इन अप ऑफ गारेजों क्राउजिंग फॉर देयर इज अब hope of finding more it seems that for garbage has a meaning different from what it means to their parents for the children it is wrapped in wonder for the elders it is a mean of survival paper it's a very repeated question what are the different connotations for of garbage to different?

लेकिन साहब के लिए तो दैट वाज अ गिफ्ट फॉर वन हु हैज वॉक फुट इवन शूज़ विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू बट द गेम ही इज वाचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच जूते तो कोई पुराना दे देगा लेकिन फैसिलिटीज ऑफ प्लेइंग हु कैन गिव दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ

बैग वॉज हिज मतलब वो टाइम वो जगह वो सामान सब कुछ उसका था वॉज केयर फ्री वॉज अग्स टू द मैन हू ओन् से काम नहीं कर रहा है पेपर वॉट डज इट मीन मींस नाउ ही इज एम्प्लॉयड फॉर सम आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार दिस इज अबाउट मुकेश मुकेश ऑन बींगर आई विलोट मैकेनिक में क्वेश्चन आता है वॉट डज मुकेश वॉन्ट टू डू एंड हाउ ही कैन डू इट डू यू नो एनी थर्न टू ड्राइव अ कार हिस्स ड्रीम लुक्स लाइक अच अमिट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट फिल्स टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स It is just like an imagination a pattern. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is a center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all women in the land, it seems. Firozabad. हमारे लिए शायद हम लोगों में से किसी ने सुना भी नहीं होगा बट दैट इज द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री मुकेश फैमिली इज अमंगम नॉन ऑफ दम नो दैट इज इलिगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फॉर ने विथ हाई टेम्परेचर ये आपके पेपर का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है मैंशन द हजार ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास फॉर अ बैंगल फैक्ट्री

वॉबली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूम एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रमगल स्टेट मीन्स दैट प्लेस वॉज टू 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 डिजी टू 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 स्टिंगकिंग बदबूदार था वहीं पर मतलब कि लोग रहते थे इंसान मतलब की एनिमल्स रहते थे देर वॉज नो हाइजीन इन अनदर वे देर वॉज नो हाइजीन उनके जो वॉल थे वो टूटे फूटे थे दरवाजे मतलब कि लटक रहे थे He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, pushes it open. We enter a half-built shack. Aadha bana hua ghar hai. Mala wo usne bataya ki it was rebuilt. In one part thatched with dead grass. Thatch matlab roof aapka jo hota hai. सूखे ग्रास से वो उसका मतलब कि वो एक साइड में रखा हुआ है इज अ फायरवुड स्टोव आपका अंगीठी विच सिट्सिंग स्पिन ग्राउंड इन अलूमिनियम प्लेटर्स मोर चॉफ वेजिटेबल फ्रेल मतलब वेरी वेरी वीक यंग वुमेन इज कुंग एंड इवनिंग मील फॉर होल फैमिली दैट इज उसकी भाभी थ्रू द आईज फिलोक्स इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर नॉट मच ओल्डर इन शी हेज बिगन टू कम एज अ बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ दाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन हर हजबर मतलब ट्रेडिशनल डॉटर इन लॉ वेन द ओलर मैन एंटर्स जब उसके हैं शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड ब्रोकन वॉर ब्रिंगज व्हील क्लोजर टू फेस

बॉर्न इन द कैस्ट ऑफ बैंगल मेकर बट बैंगल इन द हाउस इन दर यार्ड एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी अदर स्पीट स्पाइर ऑफ बैंगल्स रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर लाई इन माउंट माउंट मतलब उसमें पूरा इन अनकम्प्टार्ड हीप अनकेम्प्ट मतलब गंदा Improper are piled on four wheeled handcarts. And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil men sit boys and girls with their fathers and mother wielding pieces of colored glass into circles of bangle. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up closing their eyesight before they become adults.

बट नो लाइट इन हर आईज एक एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, lumbi lumbi dadi. I know nothing except bangles. All I have done is to make a house for the family to live. मुझे सिर्फ बैंगल बनाना आता और ये छत मैंने बनाया बस. Hearing him, वन वंडर्स इफ यू हैज अचीव वॉट मेनी है जिस तरीके से वो बता रहा था ना ऐसा लग रहा था कि बाकी वो, तो वो भी नहीं किया लेकिन ही हैज एटलीस्ट मेड अ हाउस द क्राई ऑफ नॉट है बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी हाउस मतलब उनके लिए दैट इज अ ट्रेडिशन इवन दो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल Even though it is not fulfilling their stomach need, uske bawajood they want to carry on this business The young men echo the lament of their elders, jo matlab ki from one generation to another, वही चीज़ को जो मतलब कि उनके elders बोलते हैं उसको वो दोहरा रहे हैं। They are just repeating. Little has moved with time, it seems in Firuzabad. Years of

Even if we get organised, we are the ones who will be hauled up, hauled up मतलब मार दिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पिटाई-पीट दे दिए जाएंगे, beaten and dragged to jail for doing something illegal. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers as are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and injustice. Means they are just following what their ancestors, their elders followed, but they don't have the initiative, they don't have the courage to do something or raise their voice. Listening to them, I see two distinct words. What ache to poor, ek jo rich. फैमिली कॉट इन पोवर्टी बर्डन बाई दस्ट इन विच दे आर बोर्न दर्कल ऑफ द साहू कारपर्स ऑफ लॉ ब्यूरो पॉलिटिशियंस मीन एक साहेब सॉरी मुकेश जैसे लोग है सिर्फ बैंगल्स बनाना और दूसरे वो रिच लोग जो एंजॉय कर रहे हैं टूगेदर देव इम्पोज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इज एज ने फादर टू डू एनीथिंग वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप उन लोगों ने आवाज उठाना सीखा नहीं है वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम मतलब क्योंकि मुकेश कुछ अलग करना चाहता है I want to be a motor mechanic. He will go to a garage and learn. But the garage is a long way from his home. I'll walk. He insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No. He says, staring at the ground. Means he is embarrassed. In his small murmur, there is embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. Means he mean to say that that is out of reach. He wants to do something which is within his reach, which he can pursue over there. And he wants to do something which is completely different that is the chapter the lost spring and uh, as i had uh, in the initially i have told you the theme is child labor then if you look into the theme the plight of street children forced into labor early in life and denied the opportunity of schooling there's the first theme and the second theme is the callousness of society the callousness of society and the political class to the suffering of poor. Uh, this has come as, uh, as the lack of empathy by the politicians, by the authority. this is how child labor still exists. and it is rather very, very, we should be ashamed that it is practiced rampantly and even though we are there we raise our voice i have raised my voice many times but people don't bother about it. so this is the chapter the lost spring